हाय गाइस दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि फ्री फायर गेम को 45 MB के अंदर कैसे डाउनलोड किया जाता है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ही नहीं बल्कि यहां पे लाइव प्रूफ फ्री फायर गेम को 45 MB के अंदर डाउनलोड करके खेल करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम के वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं कि दोस्तों हम लोगों को क्या ट्रिक लगाना होगा, जिस ट्रिक को यूज करके हम लोग गरीना फ्री फायर गेम को केवल 45 MB के अंदर डाउनलोड करके खेल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बंदों का कंफ्यूजन होता है कि 45 MB के अंदर हमको ओबीबी फाइल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा, फ्री फायर को 45 MB में डाउनलोड करूंगा और यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि ओबीबी फाइल मेरे को मिला है या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। उससे पहले आपसे बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो चैनल पर आती रहती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, जो यहाँ पे प्ले स्टोर ऐप है इसे ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है फ्री फायर। अब फ्री फायर जैसे सर्च करेंगे तो जो फ्री फायर गेम है आ जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है अबाउट दिस गेम का। तो सिंपली आपको सामने यहाँ पे एक एरो मिलेगा, सिंपली आपको एरो पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे ना तो उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों गेम इन्फो यानी कि गेम इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, डिटेल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, जो गरीना फ्री फायर का लेटेस्ट वर्जन है 1.64.1 है। तो सिंपली मैं यहाँ पे जो गरीना फ्री फायर का लेटेस्ट वर्जन है यही डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि अगर आप मान लीजिए 2022 या 2023 में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप गरीना फ्री फायर का जो लेटेस्ट वर्जन है उसे कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, यानी कि आप कभी भी इस वीडियो को देखेंगे ना तो आप गरीना का फ्री फायर का जो लेटेस्ट वर्जन है उसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि 1.64.1 जो न्यू वर्जन है उसी को हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना बैक, और बैक आने के बाद यहाँ पे सेटिंग करना है। क्या सेटिंग है चलिए मैं बताता हूँ। तो सिंपली आपको सेटिंग ओपन करना है और यहाँ पे सिंपली आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है अननोन रिसोर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको यही सर्च करना है अननोन सोर्स। अब जैसे यहाँ पे अननोन सोर्स सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी का, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस पर आपको प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। तो यहाँ पे आपको स्पेशल ऐप एसेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा इंस्टॉल अननोन ऐप, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों उसके बाद आ जाएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस। तो नीचे आपको आना होगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्रोम का, तो सिंपली आपको क्रोम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स का, तो दोस्तों ये ऑप्शन आप इसे ऑन कर दीजिएगा। अगर ये पहले से ऑफ होगा तो पहले से अगर ऑन होगा तो इसे ऑफ करके अगेन इसे ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। इसको ऑन करने के बाद आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, जो यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ऐप है इसे ओपन कर लेना है, जो गूगल का क्रोम ब्राउजर ऐप है ना इसको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको सर्च बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पे सर्च बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या लिखना है चलिए मैं बताता हूँ। सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है फ्री फायर लो MB डाउनलोड, ठीक है। फ्री फायर लो MB डाउनलोड 1.64.1 यही लेटेस्ट वर्जन हम इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यही मैं लिखूंगा। सिंपली मैं फिर से आपको बता देता हूं क्या लिखना है, आपको लिखना है यही है फ्री फायर लो MB डाउनलोड 1.64.1, ठीक है। जैसे लिख देंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कहाँ पे करना है, दोस्तों यही साइट है देख लीजिए https://dougen.com, दोस्तों यही इसका लोगो। सिंपली आपको इसी वाली साइट पे आना है, अदर किसी साइट पे मत जाइएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड का, तो सिंपली आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है। जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए जो फ्री फायर का लेटेस्ट वर्जन 1.64.1 है ना वो यहाँ पे आया है, ठीक है। अब इसे आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ से 8,80,000 लोगों ने डाउनलोड किया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऐप है आपका, जो गरीना फ्री फायर गेम है ना, वो इस ऐप से 100% गारंटेड है कि आपको आराम से मिल जाती है और उसे आप आसानी से खेल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए 8,00,000 लोगों ने यहाँ से डाउनलोड किया है, और यहाँ पे दोस्तों ये 50 MB की ऐप है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड APK और डाउनलोड फॉर PC। तो सिंपली मैं अपने मोबाइल फोन के लिए डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली हमको क्या करना होगा, डाउनलोड APK वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको क्या करना होगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना होगा। जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे ना
तो यहाँ पे दोस्तों आपको तीन लिंक मिलेगा। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा क्लिक हियर टू डाउनलोड एपीके का ना, इस पे आपको नहीं क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे जो सेकंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला है क्लिक हियर टू डाउनलोड एपीके, इस पे आपको क्लिक करना है। तो सेकंड वाले अब जैसे क्लिक कर देते हैं ना, तो यहाँ पे दोस्तों आपसे अगर कोई परमिशन मांगेगा तो अलाउ कर दीजिएगा, या फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, तो सिंपली आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे कोई भी परमिशन मांगेगी तो इसे अलाउ कर दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, जो मेरा गरीना फ्री फायर गेम है यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउनलोड हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसे इंस्टॉल कैसे करना है और इसे प्ले कैसे करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बैक आ जाता हूँ अपने होम पेज पर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए जो मेरी फ्री फायर यहाँ पे ऐप है वो डाउनलोड हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप भी थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको थ्री डॉट मिल रहा है, सिंपली आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है डाउनलोड का, सिंपली आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए गरीना फ्री फायर गेम है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको तो बैक आना है, और बैक आने के बाद यहाँ पे आपका जो फाइल मैनेजर ऐप है इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे एक स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन में आना है। अब इसे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है एंड्रॉइड करके, तो सिंपली आपको एंड्रॉइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ओबीबी का, तो सिंपली आपको ओबीबी वाले फोल्डर पर क्लिक करना है। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए जो फ्री फायर का यहाँ पे ओबीबी फाइल है यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए com.dts.freefire करके यहाँ पे जो इसका ओबीबी फाइल है आ चुका है, ठीक है। अब दोस्तों हमको क्या करना है, दोस्तों यहाँ पे बता दूँ, देख लीजिए यहाँ पे 6:50 PM हो रहा है और यहाँ पे 6:51 हो रहा है, तो दोस्तों एक मिनट पहले मैंने डाउनलोड किया है, तो बिल्कुल यहाँ पे लाइव प्रूफ आप देख लीजिए, ऐसा आपको ना लगे कि मैं पहले से इसे डाउनलोड करके रखा था। यहाँ पे दोस्तों आप लाइव प्रूफ बिल्कुल देख लीजिए, आज का डेट भी है और यहाँ पे जो टाइम है ये भी है, तो पूरा यहाँ पे आप मैच कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो क्रोम ब्राउजर ऐप है इसे ओपन करना है, फिर से आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और डाउनलोड वाले ऑप्शन में आना है, और उसके बाद यहाँ पे जो गरीना फ्री फायर गेम है सिंपली आपको इस पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद इसे आराम से प्ले करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।